दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल यानी कि 11 अगस्त को श्री माघरो में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2, जिसने फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके अब तक के सारे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। जहां दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन जो कलेक्शन किया था वो तो किया ही था, लेकिन अब दूसरे दिन के कलेक्शन में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है कि अब तक कोई भी बड़ी फिल्म ऐसा नहीं कर पाई थी जो गदर 2 कर रही है। अपने पहले दिन नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने जो बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है वो शायद शाहरुख खान की फिल्म पठान भी नहीं कर पाई थी। तो यहां पे गदर 2 ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि अब ये फिल्म रुकने वाली है नहीं और कम से कम 3 से 4 महीनों तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलने वाली है। और फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचने वाला है या जो मचा रही फिल्म तूफान, वो वाकई देखने लायक और काबिले तारीफ है, क्योंकि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है गदर 2। पहले दिन दूसरे दिन सारे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म गदर 2 की, तो अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का था। फिल्म में हमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आए थे। फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर लगभग 3800 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। लेकिन बात करूं मैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन जो गदर 2 ने ऑफिशियली कलेक्शन किया है, ऑफिशियल आपको बता रहा हूं, 40 करोड़ 10 लाख रुपए पहले दिन फिल्म ने नॉन हॉलीडे पर रिलीज होने के बाद कमाए। ऐसा कोई भी फिल्म बॉलीवुड में अभी तक नहीं कर पाई थी। ये बॉलीवुड में अब तक का सनी देओल के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा अपने पहले दिन का, वो रहा 47 करोड़ 30 लाख रुपए। ओवरसीज से अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसलिए अभी इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 47 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है। जैसे ही ओवरसीज से रिपोर्ट आएगी तो मैं वो भी आपको पूरी पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी देने की। लेकिन अब यहां पे बात करूं मैं दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, फिल्म को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है। यहां तक कि जो भी सिनेमाघरों से दर्शक इस फिल्म को देखकर निकल रहे हैं वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहे और लोगों की फीलिंग्स, लोगों के इमोशन इस फिल्म से जुड़े थे। यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई कर रही है। तो आज अपने दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हमें तगड़ा उछाल देखने को मिला है और फिल्म आज कमा रही है पूरे इंडिया से 45 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो 2 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 85 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट हो रहा है। तो ये फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 101 करोड़ रुपए। जा दोस्तों 101 करोड़ रुपए, यानी कि गदर 2 ने अपने पहले 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया, यानी कि अपना बजट पूरी तरह से निकाल के साइड में कर दिया है। अब जो फिल्म कमाएगी, चाहे वो 1 महीना कमाए या 2 महीना कमाए, वो सारा का सारा फिल्म के पास मुनाफा ही आने वाला है। तो यहां पे गदर 2 सबसे बड़ी फिल्म बन रही है और जिस तरह से सनी देओल की फिल्म गदर 2 कमाई कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने वाले हैं जो आने वाले टाइम में नहीं टूटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अपने वीकेंड पर जिस तरह से फिल्म कलेक्शन कर रही है, क्योंकि कल संडे का दिन है, बहुत जबरदस्त कलेक्शन होने वाला है, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, तो यहां पर गदर 2 बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है। शायद बॉलीवुड में ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड अभी तक ना बने हो जो गदर 2 बनाने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसे लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।